बहुत दुखित हूँ, ये लोग हम लोग पर बहुत हमला करते करके बोल रहे हैं, हम लोग के जीना मुश्किल है श्यामपुर नगर में। मेरी लड़की बोलती है जैसे मम्मी हम लोग किस तरह से रहेंगे और हम क्या करेंगे, जल्दी सारा हम लोग गरीब आदमी हैं। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975783। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार के समीप अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक कोल्ड ड्रिंक दुकानदार ने स्थानीय मुखिया संजय सिंह और उनके समर्थकों पर दुकान कब्जा करने, जबरदस्ती दुकान में ताला बंद करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। दुकानदार ने मुखिया पर यह भी आरोप लगाया कि मुखिया और उनके समर्थकों ने उनके एक रिश्तेदार को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया है। इस घटना के बाद श्यामपुर बाजार का माहौल गर्म हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सिवान SDPO जितेंद्र पांडे, SDM रामबाबू बैठा, BDO रमेंद्र कुमार, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष ददन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफ़ी देर श्यामपुर बाजार में पंचायती हुई, जिसके बाद मामले को तत्काल शांत कराया गया। वही इस मामले में मुखिया संजय सिंह ने कहा कि उनके सारे आरोप निराधार और गलत है। उनका एक मंदिर है और मंदिर की ज़मीन पर यह सभी दुकान है। दुकानदारों से हर महीने किराया लिया जाता है, जिससे मंदिर से जुड़ी सभी काम निपटाए जाते हैं। वहीं इस दुकानदार ने किराया देने से मना कर दिया, जिसके बाद मंदिर की कमेटी ने दुकान पर ताला मार दिया और इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर दुकानदार द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में है, पुलिस अधिकारी अब इसे जांच करेंगे। दो हज़ार सोलह से किराया बाकी है, 300 रुपया हम लोग किराया दे रहे थे, ठीक। अब वो किराया ये लोग लगाए हैं 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 40000 रुपया किराया लगाए। बोले कि 40000 रुपया आप नहीं देंगे तो हम आपको दुकान से निकाल देंगे और 1500 रुपया। सर बताइए, आप ही हम 100 रुपया, हमारे हस्बैंड और मेरा लड़का छोटा है, कमाने वाला है, मैं 1500 रुपये किराया और 40000 रुपये रंगदारी टैक्स कहाँ से देंगे, बोलिए। किसके द्वारा ये मांगा जा रहा है? संजय सिंह, संजय सिंह मांग रहे हैं और उनको जो पार्टी है वो लोग मांग रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि आप लोगों को हम उजाड़ देंगे और जान से भी मरवा देंगे मेरा लड़का। कब्जा किया गया था? ठीक, आज आकर मेरा लड़का था, वो कमेटी में बुलाया, मेरा मालिक घर गया था, हम लोग अपने में बातचीत कर रहे थे, मेरा लड़का से बोला कि आपका पिताजी कहाँ है, लड़का मेरा बोला कि पिताजी घर है। आप लोग बार बार बुलाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, दुकान में ताला मारे, जो आपको DMSP जो भी क्यों बुलाना है वो बुला दो। कौन बोला? संजय सिंह बोला। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग यही चाहते हैं कि उन लोगों को कानूनी कार्रवाई किया जाए और हम लोग के ये कोई भरोसा नहीं है सर, हम लोग को कोई भरोसा नहीं है सर कि कब और क्या करेंगे। जान से हमारा एक लड़का है और एक हमारे मालिक है, दो मेरी लड़की है। जान का खतरा है, ये आप जानिए, मेरे दो लड़की है, वो 3 महीना हम लोग को खाने एक रोटी हो गया सर, मन आप बताइए, मैं बहुत दुखित हूँ, ये लोग हम लोग पर बहुत हमला करते करके बोल रहे हैं, हम लोग के जीना मुश्किल है श्यामपुर नगर में। मेरी लड़की बोलती है जैसे मम्मी हम लोग किस तरह से रहेंगे और हम क्या करेंगे, जल्दी सारा हम लोग गरीब आदमी हैं। मामला है सर कि हम लोग पर जबरदस्ती आकर यहाँ लोग कमेटी बनाए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम लोग पर भी मेरे पिताजी नहीं थे, हम अपनी दुकान पर थे और दो चार महीना पहले हम लोग से झगड़ा हुआ वहाँ पर ठेला लगाने के लिए, हम लोग उसका विरोध किए हैं, उसके बाद झगड़ा को सब छोड़ते हुए संजय सिंह मुखिया अपना कमेटी बना लिए जबरदस्ती, आज आकर हमारे ऊपर, पिताजी हमारा नहीं थे घर पर थे, बोले रे माधव चो तुम्हारे पिता कहाँ हैं, हम बोले कि पिताजी गए घर खाना खाने के लिए, तो हम बाबू बोली हैं चिंता है कि हम 7 दिन का स्वेटर हैं, हम बोले ठीक है मुखिया जी, अब हम हमारे ऊपर उठाकर चमनी में डाल देंगे, गाली को अभद्र गाली देते हैं, उनके दो चार समर्थक थे, उनका नाम बिट्टू सिंह है, उनका पिता हरिंदर सिंह भी गाली दे रहे थे, मुखिया जी गाली दे रहे थे, तुमको मार देंगे, तुम लोग का दुकान नहीं खुलेगा, जब प्रशासन के चीज को बुलाना है जब बुला लो,
पूरा मतलब आप झगड़ा किस लिए हुआ था, पूरा मामला क्या? झगड़ा हुआ था जब अथी के लिए दुकान के लिए, हम अपना ऑफिस बनाएंगे, मुखिया जी कहना है, हम लोग उसका आवेदन भी दिए थे। दुकान किसका है? दुकान मेरा है। मैं वो क्या कर रहा है? जमीन ये थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है, सरकारी जमीन है, वो लोग कह रहे हैं कि मंदिर क्या है हमारा है, तो हम लोग इसको SDO साहब के पास, SDM थाना में, सरकारी जमीन है। हाँ सरकारी जमीन है। दिनों से आप लोग दुकानदारी यहाँ कर रहे हैं? हम लोग का सब मेरे परदादा थे, दादाजी पिताजी हैं, उसके बाद हम लोग भी हैं, 100 साल हो गया हम लोग का। अब ये लोग कब्जा करना चाहते हैं? हाँ कब्जा, जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग तो हमको उठाने के प्रयास किए, हम घर भाग गए हैं जान बचा को अपनी। उसके बाद ये लोग क्या किया? तारा इसमें मार दिए हैं। हम अपने जाके माता जी के पास गए थे, अब पिताजी घर पे ही थे, खाना खा रहे थे, हम जाके बोले रो रो कहे कि मुखिया जी अला तो गाली देते लाइन कतल चेमनी में डाल दें। उनका समर्थन बीटू सिंह राहुल सिंह, हाँ जान से मारे थे हम कि बीटू सिंह राहुल सिंह। हाँ पहले स्टैंड दे चुके हैं सर। पुलिस क्या बोली? पुलिस आए अभी दुकान खुला है, पहले प्रशासन बोले कि हम मामला अथी कर देंगे, जाँच करेंगे, जाँच के दोषी को पकड़ेंगे। ये सब बेबुनियाद है। आज जहां हम लोग खड़े हैं यह मंदिर परिसर है और राम जानकी मंदिर के नाम से बहुत पहले से जो 6 कट्ठा ज़मीन मंदिर में राम जानकी मंदिर के नाम से ज़मीन है और इसमें देख रहे हैं कि इसमें मंदिर भी है। यहां बहुत सारे दुकानदार इस मंदिर के ज़मीन में दुकान किए हुए हैं जिसका पहले से भाड़ा कुछ मनमानी रूप से अपना देते थे। बहुत दबंग लोग कुछ थे जो कि ऐसे भाड़ा वाड़ा नहीं देते थे। इसी को लेकर के दो गांव के लोग शामपुर भंटा पोखर के बीच का ही मंदिर है, वहां के लोग इकट्ठा हुए गांव समाज के और उसमें निर्णय लिया गया कि यहां एक समिति का गठन करके और समिति के अनुसार यहाँ जो भी व्यवस्था हो, जो भी किराया दुकानदार से जो भी निर्धारण करना हो वो समिति की देखरेख में हो, उसी की देखरेख में समिति के देखरेख में काम हो रहा था। इसमें जितने भी दुकानदार हैं करीब 25-26 दुकानदार हैं, वो दुकानदार अपना अपना किराया जो दर तो फिक्स किया गया समिति के द्वारा अपना अपना सभी लोग किराया दे रहे थे। इसी में एक अमर शाह हैं जो अपने आप को सांसद प्रतिनिधि कि हम सांसद प्रतिनिधि हैं यहाँ के वर्तमान सांसद, वो कहा कि ऐसे जो जितेंद्र पांडे भाड़ा जो किराया वसूलते हैं प्रति माह दुकानदारों से, तो वो बोला कि हम किराया नहीं देंगे, हम सांसद प्रतिनिधि हैं, हम भाड़ा नहीं देंगे, हम समिति और किसी को हम नहीं जानते हैं, हम शुरू से हैं, हम नहीं देंगे भाड़ा। इसी पर समिति का जो बैठक था इसमें समिति के लोग निर्णय लिए कि जब भाड़ा वो नहीं देंगे तो उनके दुकान को हम लोग, जब तक भाड़ा नहीं देंगे उनके दुकान में हम लोग ताला लगा दें। समिति के लोग गया जाकर के दुकान में ताला लगा दिया, उनको नोटिस दिया गया था, नोटिस देने के बाद कई बार उनको नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बाद भी नहीं आए समिति में। उसके बाद एक रोज आए तो समझौता भी किए कि ठीक है 39,000 रुपया बाकी था जिसमें 10,000 रुपया उनको रिक्वेस्ट किए, अनुरोध किए, तो समिति निर्णय लिया कि ठीक है इनको 10,000 रुपया इनको छोड़ करके बाकी 29,000 रुपया के लिए उस समय मांगे। उसके बाद बोले कि हम प्रति माह 1500 रुपया, इनको दो दुकान है, 1500 रुपया हम प्रति माह हम देते जाएंगे। लेकिन आज जो हुआ कि कल जो 1 से 9 तारीख के डेट में उनको देना था, सारे दुकानदार 1 से 9 तारीख के बीच में अपना अपना भाड़ा देते हैं और वो पैसा से मंदिर का मान लीजिए कि पूजा पाठ चाहे जो भी मान लीजिए यहाँ विकास होता है, चाहे पंडित जी जो पूजा कराते हैं, वो विधि व्यवस्था में खर्च होता है। प्रति माह दुकानदार से 21,000 के लगभग दुकानदार से मान लीजिए कि प्रति माह इनकम होता है मंदिर को, जो नया अभी जो संगठन मारपीट का आरोप लगाया कि दुर्गो द्वारा मारपीट करे करने, यहाँ सारी जनता है पूछ लिया जाए, वो सांसद प्रतिनिधि है और सांसद प्रतिनिधि है कह रहे हैं कि हम सांसद प्रतिनिधि हैं, यहाँ तो ताला मारा गया है समिति के द्वारा, तो सारा झूठ है कि मारपीट किया गया है, तो क्या किया गया है पूछा जाए यहाँ आम पब्लिक है। ये भी लग रहा है कि दुकान खाली कराकर आप अपने ऑफिस खोलने की बात है, सब गलत है। ये मंदिर का चीज है, ये मंदिर का चीज है, ये मंदिर का
में काहे कोई ऑफिस खोलेगा? सही प्रशासन आए थे, एसडीओ एसडीपीओ आए थे, क्या निर्णय हुआ? एसडीओ साहब और प्रशासन के लोग आए थे तो उन लोग बोले कि आप लोग एक पिटीशन दीजिए, इसका नापी करा करके जो भी इसमें अवैध रूप से होगा उसको हटाया जाएगा। आपके आपसे जो आरोप लगे जान से मारने की धमकी देने का, कितना सही है? तो यहाँ आप उपस्थित हैं, यहाँ जनता है, पूछ लीजिए, सारा सारे गलत बात है, राजनीति से प्रेरित है।